सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेमचंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल। वी विल स्टडी टुडे इंग्लिश रीडर सेकेंड चैप्टर स्नेक बाइट। ओके, एंड दिस इज़ अ फनी स्टोरी एंड दिस इज़ रिटन बाय केशव शंकर पिल्ले। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वार्म अप गिवन हियर। एनसर्कल द लिविंग प्लेस ऑफ स्नेक्स। यू हैव टू एनसर्कल द प्लेस वेयर स्नेक्स लिव्स। देयर आर 2, 4, 5 पिक्चर्स आर देयर। आई थिंक सेकेंड पिक्चर इज सुटेबल। ओके, सो यू हैव टू सर्कल ऑन सेकेंड पिक्चर। So this is the story. This is a funny story written by Keshav Shankar Pillai. Okay, so let's start the story. One day I saw a small snake in the compound. Who is I here? I is here, the writer. It was crawling along slowly, but when it saw me, it moved away quickly and hid itself in a coconut shell. Quietly, I went near and closed the mouth of the coconut shell with a stone. Then I took the shell and ran to grandmother. "Look, grandmother," I cried, "I have caught a snake." "Snake?" asked grandmother in alarm. She was shocked. She cried for help. Grandmother came running. Okay, now understand in easy English. So, writer says, one day in his compound means in his premises, अपने घर के अंदर, अपने घर के मैदान में या आंगन में, premises, okay, he saw a snake. First it was crawling slowly, but when it saw writer, it hid himself in a coconut shell. Coconut shell means जो नारियल का खोल होता है, इट्स अ होलो कवर ऑफ कोकोनट विच वी ड्रिंक कोकोनट वाटर फ्रॉम. ओके, नारियल का खोल. सो स्नेक एंटर्स in hollow coconut shell, then at once writer closes its mouth by keeping a stone on it and runs away to his grandma taking it. His grandma surprised here alarm word given there, jiska matlab hai surprised, and she cries. Then his grandfather comes. Okay, so what happened one day कि एक दिन जो राइटर होता है वो खेल रहा होता है अपने कंपाउंड में और अपने ही प्रेमिसेस में, कंपाउंड मीन्स प्रेमिसेस, अपने ही घर के आंगन में वो क्या देखता है कि एक जो स्नेक है वो क्रॉल कर रहा है. क्रॉलिंग इज़ द वॉक ऑफ स्नेक. तो वो क्रॉल कर रहा है. व्हेन इट शो मी इट फॉर विच इट इज़ यूज हेयर, इट इज़ यूज हेयर फॉर स्नेक. सो व्हेन स्नेक सॉ हिम इट मूव्ड अवे क्विकली. वो जल्दी से चलने लगा जब उसने, स्नेक ने राइटर को देखा. एंड हिट इट सेल्फ इन ए कोकोनट शेल. वहाँ पे एक कोकोनट शेल पड़ा हुआ था. कोकोनट जो नारियल का खोल होता है जिसमें से पानी पी के फेंक देते हैं, वहाँ पे वो पड़ा हुआ था और उसके अंदर स्नेक घुस गया. क्वाइटली जब चुपचाप जो राइटर है वो वहाँ गया और कोकोनट शेल के ऊपर उसने पत्थर रख दिया, मतलब कोकोनट शेल को बंद कर दिया एक पत्थर रख के, और फटाफट उस कोकोनट शेल को लेकर अपनी दादी की तरफ भागा, दौड़ा दिखाने के लिए. लुक ग्रैंड मा, उन्होंने बोला कि भाई देखो मैंने इसके अंदर एक स्नेक बंद कर दिया है. वो डर गई, वो सरप्राइज हो गई और उसने चिल्ला के ग्रैंडफादर को बुलाया. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. ही लर्नड दैट, ही मीन्स ग्रैंडपा, ही लर्नड दैट आई हैड अ स्नेक इन द सेल. ही स्नेच्ड द सेल एंड थ्रू इट अवे. द फ्राइटेंड स्नेक क्रॉल्ड अवे एंड डिसअपीयर्ड बिहाइंड बुशेस. ग्रैंडफादर वॉन्ट मी नेवर टू गो नियर अ स्नेक बिकॉज ही थॉट स्नेक्स वर डेंजरस. ओके, नाउ अंडरस्टैंड इन ईजी लैंग्वेज. When he got to know, when grandpa got to know that there is a snake in the coconut shells, he snatched means seized by force, छीन लेना, कोई भी forcefully किसी को छीन लेना. So he snatched it and threw it away in bush and snake disappeared in bushes. And he warned me not to go there. तो क्या होता है कि जब उनको पता लगता है कि कोकोनट शेल में स्नेक है तो वो उसको कोकोनट शेल को मुझसे छीन के और झाड़ियों में फेंक देते हैं. अब झाड़ियों में से निकल के वो डिसअपियर हो जाता है और वो जो मेरे ग्रैंडपा हैं वो मुझे बोलते हैं कि भाई आगे से ना ही स्नेक के पास जाना, ना ही उस जगह पर जाना जहाँ पर उनको उसने फेंका है, क्योंकि उनका मानना ये था कि जो स्नेक्स होते हैं वो डेंजरस होते हैं. बट राइटर डोंट थिंक सो. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट स्टैंजा. Later in the evening, I tried to catch a bee and it stung me on my finger. I felt a sharp pain. I ran to grandmother and told her that I had been bitten and I wanted her to do something to stop the pain. Grandmother thought that I have been bitten by snake. She called out to grandfather to come quickly and see me. Grandfather came at once. He looked at my finger. There was a blue mark. Without a single word, he took me in his arm and started running. He ran across the garden and through the paddy field. He ran and ran and did not stop until he reached a small house quite some distance away from our home. Then he shouted for the man who lived there. So what happened then? Later in the evening, one evening,
He was playing with the bee. Bee means जो मधुमक्खियाँ होती हैं. And bee stung him. और जो bee ने उनको काट लिया. Bee stung him. Stung means to bite. On his hand. He felt pain. And again ran to grandma to do something to stop sharp pain. She thought that I was bitten by snake. Who is I here? Writer was bitten by snake and she called grandpa again. Grandpa see a blue mark without delaying he ran by taking me in his arm across the garden through the paddy field means rice field. Then he stopped at a small house just distance away from their home. Then he called the person who lived there. Okay, so I'm telling you Hindi. एक शाम को क्या होता है कि वो जो राइटर है वो बी से खेल रहा होता है. बी ने तो उसको काट लिया. फिर तो उसको एक शार्प पेन हुआ, जैसे कि बी मधुमक्खी के काटने पे होता है. तो फिर वो क्या करता है, अपनी ग्रैंडमा के पास जाता है कि भाई मुझे बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और इसको तुम रोको. तो उनकी ग्रैंडमा जो बोल सोचती है कि उसको स्नेक ने काट लिया, तो उसके फादर को, ग्रैंडफादर को बुलाती. अब जो उनके ग्रैंडफादर होते हैं वो फटाफट आते हैं और जब देखते हैं कि उसके हाथ पे एक ब्लू मार्क्स है, तो बिना कुछ देरी किए और बिना कुछ कहे वो उसको अपने बाजू में उठाते हैं और दौड़ने लग जाते हैं. ही रेन अक्रॉस द गार्डन. अब वो गार्डन में से होके गुजरते हैं, पैडी फील्ड्स आते हैं उनके बीच में से होके गुजरते हैं और ही रेन एंड रेन वो दौड़ते रहते हैं. एंड डिड नॉट स्टॉप अंटिल ही रेन, और तब तक नहीं रुकते जब तक एक छोटा सा घर नहीं आ जाता. एक घर के पास जाके रुकते हैं जो कि उनके घर से थोड़ी सी दूरी पे था. देन ही शाउटेड फॉर द मैन हु लिव्ड, और अब फिर वो उस आदमी को आवाज़ लगाते हैं जो उस घर में रहता था. नाउ कम टू नेक्स्ट स्टैंजा. एंड ओल्ड ग्रे हेयर्ड मैन केम आउट ऑफ द हाउस. ही न्यू द क्योर ऑफ स्नेक बाइट्स. ग्रैंडफादर आस्क हिम टू क्योर मी. द ओल्ड मैन टुक अस इनसाइड. ही लुक्ड एट माई फिंगर एंड देन आस्क मी टू सिट डाउन, नॉट टू मूव. आई सेट ऑन ग्रैंडफादर्स लैप. द ओल्ड मैन देन took some water in a small brass vessel set in front of us and started reciting some verses. I wanted to tell him that it was okay. Now understand in easy language. Then an old man came out from that house where he stopped. जहाँ पे उनके दादाजी रुके थे वहाँ से एक old man आते हैं बाहर. Whose hair were white, जिनके बाल grey color के थे, थोड़े से बाल उनके white थे. He cured for snake bites. He looked at my finger, then brought brass vessel. Brass means it's a kind of metal that is of वो पीतल का एक brass means पीतल का. Vessel means a container for liquid, जिसके अंदर liquid रखा जाता है. तो brass vessel वो लेके आते हैं. And then he sat in front of us and started reciting some verses poetry. अब क्या होता है, जो उनके दादाजी होते हैं वहाँ जाके आवाज़ लगाते हैं जहाँ पे वो रुकते हैं. तो वो एक बूढ़े से आदमी बाहर आते हैं जिनके बाल सफ़ेद होते हैं, ग्रे कलर के होते हैं, और वो स्नेक बाइट्स का क्योर करते हैं, इलाज करते थे. तो उन्होंने अब राइटर बता रहे हैं कि उन्होंने उसकी फिंगर को देखा और ब्रेस वेसल लेके आए, एक पीतल के बर्तन लेके आए. ठीक है, तो अब क्या था, और वो पीतल का बर्तन लेके आके उनके सामने बैठ गए और कुछ मंत्र की तरह कुछ रिसाइट करने लगे, है ना. कुछ जैसे स्नेक बाइट हुआ होगा तो वो कुछ ऐसा मंत्र वंत्र बोलते होंगे जिससे उसका जहर उतरता होगा, तो वो कुछ इसी तरह से रिसाइट करने लगे. ओके, एंड हेयर आई हैव टोल्ड यू द वर्ड मीनिंग्स. व्हाट वर देवर ब्रेस वेसल. ब्रेस वेसल, ब्रेस मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ मेटल. ओके, एंड वेसल मीन्स अ कंटेनर फॉर liquid. Now come to next stanza. Okay, I wanted to tell him that a bee and not a snake that had bitten me. However, grandfather held me tight and did not allow me to talk. Grandfather too had arrived by then. Grandmother too had arrived by then, and some other people with her. They looked sad and stood silently watching me. By this time the pain in my finger had stopped. Still I had to sit there to get cured of the snake bite. After a few minutes, the old man got up, washed my finger and gave some water to drink. He asked me to keep quiet for some more time. He then turned to grandfather and said, "Thank you. You brought him in time. He is out of danger now. It was indeed a poisonous snake that bit him." Grandfather and grandmother and all the others thanked the old man for the magic cure. On returning home, grandfather sent him some gifts. Okay, just now try to understand in easy language. So
The writer wanted to tell him that it's just a bee bite, not a snake bite. But grandfather didn't allow him to speak even. Within this time, grandma also reached there with some people. By this time, pain was also disappeared. Still, he had to sit there to cure snake bite, because all understanding there na that he was bitten by snake. After some time, the old man got up, washed writer's finger and gave some water to drink and said, "You brought him here on right time. Now he is out of danger." It was indeed means really, such much, a poisonous snake. Poisonous means full of poison. Then the both grandpa and grandma thanked him, and later grandpa sent him some gifts. Okay, so this was the story. I am telling you in Hindi. तो क्या होता है कि वो जो राइटर होता है वो उसको बताना तो चाहता है कि मुझे तो मधुमक्खी ने काटा है, स्नेक ने नहीं काटा, लेकिन जो ग्रैंडपा होते हैं वो उसको हिलने नहीं देते हैं. एंड दे लुक्ड एंड स्टूड साइलेंटली वॉचिंग मी, और वो चुपचाप वहीं पे सब लोग खड़े रहते हैं और देखते रहते हैं अनटिल क्या होता है कि उसकी जो ग्रैंडमा होती है वो भी वहाँ पे आ जाती है, टिल देन बहुत सारे लोगों को लेके. तो आफ्टर फ्यू मिनट्स, अब थोड़ी देर बाद जो ओल्ड मैन होते हैं वो खड़े होते हैं, उसकी फिंगर को वॉश करते हैं, राइटर की फिंगर को वॉश करते हैं एंड उसको पानी देते हैं कुछ पीने के लिए. अब क्या होता है कि अब वो उनको बोलते हैं कि भाई तुम इसको राइट टाइम पे ले आए, ये जो स्नेक था ये बहुत डेंजरस था, बहुत पॉइजनस स्नेक था, तो इसको जो है ये कुछ भी हो सकता था, इसको राइट टाइम पे ले आए. तो सब ने, उसने दादी माँ ने, दादाजी ने, सब ने उनका धन्यवाद दिया, और जो लोग दादी माँ के साथ आए थे उन्होंने भी उनको धन्यवाद दिया. तो अब वो घर पे लौट आए. अब घर पे लौटने के बाद कुछ टाइम बाद जो ग्रैंडफादर होते हैं वो उस ओल्ड मैन को बहुत सारे गिफ्ट भिजवाते हैं. तो दिस वॉज द स्टोरी. ओके, एंड इट वॉज अ फनी स्टोरी. राइटर वॉज क्योर्ड ऑफ स्नेक बाइटिंग वाइल ही वॉज बीटन बाय बी. सो दिस इज़ फनी ना, कि उसको तो किसी ने काटा भी नहीं, स्नेक ने काटा नहीं, फिर भी उसका स्नेक बाइटिंग का वो क्योर कर रहे थे. सो होप यू एन्जॉयड दिस स्टोरी. नाउ गो थ्रू द टेक्स्ट बुक ऑल्सो आफ्टर लिसनिंग द वीडियो. ओके, एंड लर्न टफ वर्ड मीनिंग्स. ओके, नाउ आई एम टेलिंग यू सम टफ वर्ड ऑल्सो. स्नेज्ड, देर वॉज अ वर्ड स्नेज. स्नेज मीन्स सीज बाई फोर्स, किसी चीज़ को फोर्सफुली छीन लेना. वेसल मीन्स होलो पॉट, खाली बर्तन. ओके, एंड रिसाइटिंग मीन्स रिपीटिंग फ्रॉम मेमोरी. कुछ जैसे वो रिसाइट कर रहा था ना, कुछ भी ऐसा स्नेक बाइटिंग को जो जहर उतारने के लिए जो रिसाइट कर रहा था, तो दैट वॉज रिपीटिंग फ्रॉम मेमोरी. आउट ऑफ डेंजर, नो लॉन्गर इन डेंजर ऑफ डाइंग. ओके, एंड देयर आर सम वर्ड ऑल्सो लाइक दिस. आई एम टेलिंग यू लाइक कंपाउंड, प्रेमिसेस, कोकोनट सेल, अ होलो कवर ऑफ कोकोनट. Okay, so learn this word meanings. Bye. Take care.